छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर है, जहां जिले के दहेजवार गांव में आज सुबह धान के खेत के अलग अलग हिस्सों में तीन मानव कंकाल मिले। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। तीनों मानव कंकाल की पहचान उनके परिजनों ने कर ली है। मानव कंकाल मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो वे तुरंत सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने मौके से बरामद कपड़े और अन्य चीजों को देखकर उनकी पहचान की। अब वे पुलिस प्रशासन से मामले की उचित जाँच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल जिले के सिटी कोतवाली थाना बलरामपुर से सटे दहेजवार गांव में पारसनाथ सुबह धान की फसल काटने के लिए अपने खेत पर पहुंचे थे। फसल काटने के दौरान उन्हें कुछ मानव कंकाल दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने धान की कटाई रोक दी। उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मिली सूचना के आधार पर तुरंत मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि खेत में 20 मीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर तीन मानव कंकाल पड़े हुए थे। फिर पुलिस ने उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया और फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर मामले के कई पहलुओं पर विस्तृत जांच शुरू कर दी। आरोपी अभी पकड़ा गया है। इसमें घटना स्थल में मैं टीआई को पहले भी सूचना गया था कि सर यहां से महक आ रहा है, तो सर बोले कि कुछ नहीं है, इसे बोल के कुछ नहीं होगा बोल के, इसे धान का उनका खेती हो रहा है बोल के टाल दिया बात को। और बाद में पता चला कि कंकाल वहीं से ही मिल रहा है, तीनों जन का डेड बॉडी। गए थे कुसमी थाना, कुछ 1.5 महीना से इधर उधर हो रहे हैं सर, कुछ एक्शन नहीं हुआ, अच्छा से कार्रवाई भी नहीं हुआ उसका। सब जगह पैर ऐसी मनपसंद से गई है कह कह के बार बार बोल रहे थे। एजी के पास भी वही खबर मिला, सबके पास वही खबर मिला कि मनपसंद से गई है कह कह के। और वो गांव वाले वो देखे अपराधी को तो गांव वाले भी बोल रहे थे, और देखे किसका किसका हाथ है, और उसको आप लोग एकदम ज़्यादा ध्यान दीजिए सर, कौन कौन। हाँ, और उसको हम लोग को आरोपी को फांसी मिलना चाहिए, और उसके लिए हाँ इसमें कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन पैसा दे के ऐसे करवाए हैं, आप लोग एकदम हम लोग को न्याय चाहिए। जितिया एक त्योहार होता है, उसके दूसरे दिन मतलब 12:30 बजे घूमने जा रहे करके बोले फिर कहे कि थोड़ा सा लेट अगर हो जाएगा तो अंधन चौका कर रहे करके। मैं सोचा कि चलो अभी तक नहीं आ रहे तो शायद पार्टी चल रहा होगा, और बारिश भी था धीमा धीमा, तो अभी आएंगे तभी आएंगे फिर नहीं है। तो दूसरे दिन मैं सोच रहा हूँ ठीक है बारिश है तो दूसरे दिन आ जाएंगे, फिर भी नहीं आए। फिर मैं कहा सोचा कि लूम चल दिए मैके, हाँ आते जाते रहते हैं मैके, चल दिए होंगे। उसके बाद 4 दिन के बाद भी लोग आए मैके वाले कि कुछ झंझट कर लगा, मोबाइल भी लगे उठा हूँ कुछ लिखवाए वो गुमशुदा ये वो इस टाइप से। बलरामपुर थाना क्षेत्र के अंदर जो है सूचना मिली थी कि जो है तीन नर कंकाल जो है वो पाए गए हैं, तो उसी के तारतम्य में हमारी जो टीम है FSL की टीम है और डॉग स्क्वाड जो है वो वहाँ पर जाकर जो है सीन ऑफ क्राइम को हमने घेर कर जो है साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर किया गया है। जो भी नरकंकाल मिले हैं उसके स्पेसिमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों को हमारे द्वारा जो है विधिवत तरीके से कलेक्ट किया गया है, और उसमें PM की कार्रवाई जो है अग्रिम जो करवाई गई है, और उसी तारतम्य में जो है ये नरकंकाल किन के है उनकी शिनाख्तगी के लिए जो है हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर। और इसके अंदर जो भी निष्कर्ष जो है उसके बाद जो FSL और PM रिपोर्ट्स के बाद और शिनाख्तगी कार्रवाई के बाद जो है अग्रिम विवेचना जो है वो पता चले।